अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम नवीन अंसारी और आज हम बलवंत सिंह के सामान्य ध्यान समझने जा रहे हैं। बलवंत सिंह जिला गुजरानवाला में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम गांव के स्कूल में हुई, मैट्रिक देहरादून के कैम्ब्रिज स्कूल के पास किया। क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद से इंटर और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA करने के बाद मुआश की तलाश में लाहौर और कराची भी गए। दिल्ली में रिसाला आजकल के नायब मदीर की खदमात भी अंजाम दी। इसके बाद से अपने इंतकाल तक इलाहाबाद में रहे। उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में रिसाला फसाना और हिंदी में उर्दू साहित्य जारी किया, जिसमें उर्दू तख्लीकात नागरी रस्म अल-ख़त में शाया हुई थीं। बलवंत सिंह ने कई तवील और मुख्तसर, तवील मतलब बहुत लंबी और मुख्तसर नावल मतलब छोटी नावल लिखे। रात चोर और चांद और चक वेरा का जस्सा पहले उर्दू में शाया हुए। उनके बाद उनके नागरी रस्म अल-ख़त में शाया होने वाले नावलों और अफसानवी मजमुओं की तादाद मजमुओं की तादाद लगभग 30 है। उनका पहला अफसाना सज़ा 1937 में दिल्ली के रिसाले साखी में शाया हुआ। जग्गा तारोपोद हिंदुस्तान हमारा पहला पत्थर बलवंत सिंह के अफसाने और सुनहरा देश उनके अहम अफसानों के अफसानवी मजमुए हैं। बलवंत सिंह के इब्तदाई अफसानों में पंजाब की दी जिंदगी का बहुत जीता जागता नक्शा खींचा गया है। इसी बिना पर कुछ लोगों ने फ़र्ज कर लिया कि बलवंत सिंह सिर्फ पंजाब के देहात और सिख किरदारों की ज़िंदगी के अक्कास हैं, जबकि हकीकत यह है कि उनका अफसानवी कैनवस खासा वसी है। तो यदि बलवंत सिंह की सवानियत आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। या आपको और कौन सी सवानियत चाहिए, या आपको कौन सा ऐसे चाहिए एप्लीकेशन लेटर जो भी है, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।